नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 जून को हुई यूजीसी एनईटी की परीक्षा रद्द कर दी है। यह एग्जाम दो शिफ्ट में पेन और पेपर मोड में हुआ था। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। केंद्र ने इसकी जाँच सीबीआई को सौंपी है। नया एग्जाम शेड्यूल अलग से शेयर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 1,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आग के लपटों में पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग के लपटे ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर भी देखे। कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर कुछ देखने लगे। सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में दो आतंकियों को मार गिराया। हादीपोरा इलाके में पुलिस और सेना की जॉइंट टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। एनकाउंटर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले के आतंकियों की मदद की थी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी के चलते बुधवार को कई शहरों में मौसम में बदलाव नजर आया। कई जिलों में बारिश हुई, आकाश के बिजली गिरने के मामले भी सामने आए और आंधी भी चली। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी रहेगा। जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 13 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 38 जिलों में गरज चमक और आंधी चलेगी। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 जून से 19 जून के बीच 645 हज यात्रियों की मौत हुई है। मरने वालों में 323 नागरिक मिस्र, 144 इंडोनेशिया के, 68 भारत और 60 जॉर्डन के हैं। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले साल हज पर गए 240 लोगों की मौत हुई थी। सऊदी ने सभी यात्रियों को छाते इस्तेमाल करने और लगातार पानी पीने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला कश्मीर दौरा है। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 20 जून को शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर इवेंट में शामिल होंगे। आज भारतीय टीम अपना पहला सुपर 8 मुकाबला अफगानिस्तान से खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अब तक अजेय है, जबकि अफगानिस्तान पिछला मुकाबला वेस्टइंडीज से हार चुकी है। लेकिन इस मुकाबले के रोमांचक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वजह है इसी साल 17 जनवरी को खेला गया अफगानिस्तान के भारतीय दौरे का तीसरा मैच। ये T20 इंटरनेशनल में दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत थी। बेंगलुरु में मुकाबले का नतीजा 2 सुपर ओवर के बाद निकला था। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के दायरे सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। सेंट लूसिया के डेरेन सैमी स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 180 रन बनाए और इंग्लैंड को 181 रन का टारगेट दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 17.3 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने नए एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इसके मुताबिक अगर किसी भी देश ने उत्तर कोरिया या फिर रूस पर हमला किया तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका जवाब दोनों देश मिलकर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को अलायंस नाम दिया गया है। नॉर्थ कोरिया दौरे पर पुतिन ने किम जोंग को तोहफे में लग्जरी कार ऑर्स भेंट की। शेयर बाजार में आज यानी 20 जून को फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 77,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 23,500 के स्तर पर सपाट कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 19 में गिरावट और 11 में बढ़त है। फार्मा, एनर्जी और आईटी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। इससे पहले कल यानी 19 जून को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था।